So, well, I'm with the lead of Kaal Bhairav Rahasya, and we have Sarvam Kaur with us. Welcome to the show. As we saw in the PC that you said it's your debut show this time. So, how is the feeling? Because every time when we go and do something for the first time, it's always, always something different. So, how are you feeling right now? Obviously, this is my first show, so obviously I'll be feeling like out of and how did you got there? Har cheez mein interest hota hai, and that's how we step into something. So how was the journey to be in this serial? Actually mujhe shuru se modeling ka interest tha, so my mom wanted me to act. So unhone ek tarah se unhone mujhe interest unhone jagaya andar ki acting ke liye. So फिर मुझे थिएटर बहुत अच्छा लगता है, थिएटर से भी बहुत अट्रैक्शन हुआ मुझे एक्टिंग से, क्योंकि थिएटर का जो फॉर्म है वो ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस, दैट्स मतलब वो बहुत कूल लगता है एक्चुअली. तो मैंने बहुत थिएटर देखा और फिर मुझे इंटरेस्ट आया, तो मैंने मतलब मैंने कोई स्पेशली ऑडिशन जाके नहीं दिया, तो आया मेरे पास, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे करना है, तो इसीलिए फिर उसके लिए आई वर्कड हार्ड. ओके, एंड दिस इज़ हाउ यू गॉट देयर, एंड डेफिनेटली इट इज़ सो मच ऑफ एक्साइटमेंट टू सी यू देयर एज वेल. एंड दिस शो विच इज़ बेस्ड ऑन मिथ्स, विच इज़ बेस्ड ऑन बिलीव्स, एंड देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन अगर हम जाते हैं तो आस्था अनास्था, या फिर हम बिलीव या नहीं करें बिलीव, बहुत ही, और इंडिया ऐसी एक कंट्री जहाँ पर दोनों चीज़ें परसिस्ट करती हैं, वहाँ पर लोगों तक इतनी वाइड रीच तक ये एक बात पहुँचाना, एग्जैक्टली शो का बेसिक क्या है, बेसिस वो क्या पहुँचाना चाह रहे हैं, मिथ्स पे बिलीव करना चाहिए, या जैसे एक यू नो हम चले आ रहे हैं सदियों से किसी चीज़ को मानते हुए उनको मानना चाहिए, एग्जैक्टली शो क्या दर्शाना चाह रहा है? एक्चुअली शो बता रहा है कि मिथ्स पे बिलीव नहीं करना. जो राहुल का कैरेक्टर है वो मिथ्स को तोड़ना, मतलब आएगा बाहर से देखेंगे सारे बिलीव करते हैं तो वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है. तो मेन बेसिक यही है कि मिथ्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए. एंड बीइंग अ प्रीस्ट्स डॉटर, यू आर प्लेइंग गौरी, एंड बीइंग इन दैट बैकग्राउंड, एंड वो एक यू नो बचपन से हमें इनकलकेट किया जाता है कि आपको, आप पंडित की बेटी हैं तो, या फिर आपको ऐसी चीज़ों में बिलीव रखना चाहिए, तो कैरेक्टर का बेसिक माइंडसेट कैसा है, हम जो सीरियल में देखेंगे माइंडसेट कैसा रहेगा गौरी का? माइंडसेट जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत बिलीव करती है गॉड में, और इसी वजह से ब्लाइंड ट्रस्ट करती है, तो इसी वजह से जो मिथ है विलेज में उस पर भी वो बिलीव करती है. तो वो राहुल को भी समझाएगी कि, उसे भी इंसिस्ट करेगी कि नहीं ये सच है, लेकिन फिर भी सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगी, एक्साइटमेंट बढ़ाएंगी, एंड वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर ऑल दोज थिंग्स इन वन पैकेज. सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सीरियल, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड. आप एक बार टाइमिंग और कब आने वाला है इन सब की डिटेल्स हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको दे दीजिए. सो काल भैरव रहस्य आ रहा है 30th October 7 PM onwards, एंड मंडे टू फ्राइडे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस.